तो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है स्ट्रेट लाइन का जो सिक्स लेक्चर पढ़े थे उसमें बीच में कुछ पार्ट म्यूट हो गया था। एक्चुअली माइक ऑफ हो गया था उस टाइम और हम लोग ध्यान नहीं दिए थे, तो वो वाला पोर्शन को हम अलग से आप लोगों को रिकॉर्ड कर दे रहे हैं। उसमें हम लोग कुछ जो है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे, और वहाँ से आप लोगों का जितना पार्ट म्यूट हुआ था ना, वो पार्ट हम अलग से आप लोगों को डिस्कस कर दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो आप लोग लिख लिए होंगे, लेकिन फिर भी चूंकि उसमें आवाज़ नहीं था तो उसको हम लोग एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो समझना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंटेड बाय द पेयर ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जनरल फॉर्म। ठीक है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये तो चूंकि लाइन ओरिजिन से नहीं पास कर रहा, होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता था कि ओरिजिन से पास करता था, तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, जीरो जीरो, तो उसमें तो पूछेगा भी नहीं, क्योंकि जो होमोजीनियस इक्वेशन होगा हमेशा ओरिजिन से पास करेगा ही करेगा, इसलिए उसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछने का कोई मतलब नहीं है। अब चूंकि ये पेयर ऑफ लाइन क्या है, ये जनरल जगह पर कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, इसको समझना सही से। तो जो रूल इसका है ना, रूल को ही याद रखना। ठीक है, फार्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, तो फार्मूला जल्दी याद रहता नहीं है। रूल ये है, यूजिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन ये रूल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और एक्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो मन में वाई कांस्टेंट लेके चलना। ठीक है, वाई टेक एज कांस्टेंट, ठीक है ना, डिफरेंशिएट करो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा, टू ए एक्स प्लस टू एच वाई कांस्टेंट है, एक्स का वन हो गया। ठीक है, ये जीरो हो जाएगा, फिर टू जी इज इक्वल टू जीरो, टू से कैंसिल कर लो, तो हो गया ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी इज इक्वल टू जीरो, ये वन मान लो। फिर से करो, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू वाई, इन दिस केस एक्स कांस्टेंट। ठीक है, पार्शियल मतलब ये होता है, एक्स टेक एज कांस्टेंट, ठीक है ना, तो वाई के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करो तो ये जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा टू एच एक्स प्लस टू बी वाई, टू जी एक्स जीरो हो जाएगा, और टू एफ वाई क्या हो जाएगा, टू एफ सी का तो जीरो होगा, फिर टू से कैंसिल कर लो, तो क्या हो गया, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इजकल टू जीरो, इसको टू इक्वेशन मान लो। अब वन और टू को सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट देगा। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इंटू बी माइनस सेकेंड इंटू एच, तो इसमें बी से इसमें एच से करेंगे तो वाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ए बी माइनस एच स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी जी माइनस एच एफ इज इक्वल टू जीरो, और यहां से आप एक्स निकाल लो, क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज देते हैं, तो बी जी माइनस एच एफ अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी, क्योंकि एक माइनस हो जाएगा ना, माइनस में प्लस कर लेंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार हम लोग वाई निकालेंगे, फ्रॉम वाई के लिए एक्स को कैंसिल करना होगा, फ्रॉम फर्स्ट इंटू एच माइनस सेकेंड इंटू ए, तो यहां से x कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू वाई प्लस
फर्स्ट इन टू एच ना जी एच एच जी माइनस ए एफ इजकल टू जीरो कैलकुलेट करोगे तो वाई निकलेगा तुम्हारा ए एफ माइनस एच जी अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसीलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ऑफ इंटरसेक्शन इज यही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऐसे कोऑर्डिनेट हो गया तुम्हारा बी जी माइनस एच एफ अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी कोमा ए एफ माइनस एच जी अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी इसी द रिजल्ट। अब देखो ये फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए याद जल्दी रहता नहीं है, तो मेथड से ही बनाना है, डिफ्रेंशिएट करके एक बार एक्स में एक बार वाई में दो स्ट्रेट लाइन बनेगा उसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो खैर हम इसको फिर से समझा देते हैं। देखो बी जी माइनस एच एफ कोशिश करोगे याद रखने का, ये वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट बी जी माइनस एच एफ एच इंटू एफ, ठीक है। और नीचे दोनों में सेम एच स्क्वायर माइनस ए बी, ऊपर खाली याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे याद रहता नहीं है, ठीक है, प्रोसेस से ही बनाना पड़ेगा, याद रखना मुश्किल है, करोगे भी तो फिर कुछ दिन बाद भूल जाओगे, बेटर है कि कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, या सर्कल का सेंटर निकालना है, हाइपरबोला का सेंटर निकालना है, इलिप्स का सेंटर निकालना है, तो सभी भी ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं पार्शियल डिफरेंस का, ठीक है। तो एक हम इस पर एग्जाम्पल करवा देते हैं आप लोगों को, ठीक है, नोट करो जल्दी से। ठीक है बेटा, तो हम लोग इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, तब ठीक रहेगा। सीट में भी है, आप लोगों को सीट मिला है स्ट्रेट लाइन का, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किए हैं, ठीक है। ऐसे ऐप पर हम सारा सीट ऑलरेडी अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। सीट का 95 नंबर क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्वेश्चन है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स represented by lines represented by the curve two x square plus three x y plus y square minus seven x minus five y plus six is equal to zero is ऑप्शन ए 1, -1, ऑप्शन बी 2, 1, ऑप्शन सी 1, 1 और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो ऐसे तो फॉर्मूला से भी हम बना सकते थे, लेकिन फॉर्मूला से नहीं बना रहे, डायरेक्ट हम जो है ना प्रोसेस से बना रहे हैं। तो पहले आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट फटाफट बन जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो ये क्या हो गया 4x, ये क्या हो गया 3y, एक्स का 1 हो गया, ये 0 माइनस 7 1 मान लो। फिर करो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू वाई के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट, या आप ऐसे भी कर सकते हो ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हो, अगर एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा तो आंसर होगा नहीं। देखो 1 माइनस 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 1 माइनस 1 नहीं कर रहा है, 2, 1 8 प्लस 3 ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 1, 1 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब सीधे आंसर हो गया है ना, और फास्ट हो गया, लेकिन हम पूरा प्रोसेस से बना देते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट वाई तो ये 0 हो जाएगा, ये क्या होगा 3x और ये कितना होगा 2y, ये 0 माइनस 5, इन दोनों को सॉल्व कर लो, फ्रॉम फर्स्ट इंटू 2 माइनस सेकेंड इंटू 3
इससे वाई कैंसिल हो जाएगा, 8 माइनस 3 8 माइनस 9 माइनस एक्स माइनस 14 प्लस 15 प्लस 1 0, यानी एक्स इक्वल टू क्या हो गया 1, एक्स इक्वल टू 1 पुट कर दो किसी में, मान लो फर्स्ट में ही पुट कर दो एक्स इक्वल टू 1, तो 3y = क्या हो गया 7 माइनस 4 दैट इज 3, y = कितना हो गया 1, इसीलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 1, 1, इसी तरह जाते। तो काफ़ी इजी है, हम लोग इसको समझ गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो देखो, अगर ये लाइन जो है ना हमारा कौन सा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो ये पैरेलल होगा, इसके लिए कंडीशन वही है, ठीक है। इसमें जो है ना एंगल्स वगैरह सबका फॉर्मूला सेम होगा, एंगल बिटवीन देम ये हो जाता है तुम्हारा थीटा इज इक्वल टू जो पढ़े थे ना हम लोग उधर, टेन इनवर्स 2√ एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी, जो होमोजीनियस का था वही यहाँ भी होगा, ठीक है, क्योंकि एंगल शिफ्ट करने से एंगल नहीं चेंज करता, होमोजीनियस का मान लो ओरिजिन पे इंटरसेक्शन पॉइंट था, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट बदल गया, बट एंगल जो निकालने का फॉर्मूला है वो दोनों का सेम होगा, ठीक है। कंडीशन 4 पैरेलल वाली कंडीशन है, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, यानी कि a by h इज इक्वल टू h by b इज इक्वल टू g by f, ये कंडीशन होता है, ठीक है, पैरेलल होने के लिए, पैरेलल और डिस्टिंक्ट होगा तब, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो h स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ जाएगा कंडीशन, ठीक है। कंडीशन 4 परपेंडिकुलर, इसके लिए कंडीशन सेम होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, बहुत सारा चीज़ कॉमन होता है ना होमोजीनियस वाला। अब हम डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लेंस का हेडिंग दिए थे, ठीक है, अगला फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लेंस इज इक्वल टू 2√ ऑफ जी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए इंटू ए प्लस बी, या इसका एक और फॉर्मूला होता है 2√ ऑफ, और लिख देते हैं, ठीक है, 2√ ऑफ एफ स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन बी इंटू ए प्लस बी, ये दोनों फार्मूला होता है इसका, ठीक है, इसको अच्छा से याद रखना, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, अभी करवाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। डिस्टेंस अगर लाइन पैरेलल बनाएगा ये दोनों पेयर ऑफ लाइन, तो उसके बीच का डिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है, इसको थोड़ा रटना पड़ेगा, ठीक है, इसका और कोई दूसरा उपाय नहीं है बिना रटे, ठीक है। देखते हैं इस पर एक एग्जांपल करवा देते हैं, देखो एक क्वेश्चन है, सीट जो तुम लोगों को मिलेगा उसका 97 नंबर क्वेश्चन है, द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2√2xy प्लस 2√2xy प्लस 2y² प्लस 4x प्लस 4√2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है,
pair of lines, full stop, the distance between them, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 4/√3, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 3, ठीक है ना। तो अब देखो ये पैरेलल तो होगा ही, ये कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा होगा। देखो एच स्क्वायर, एच का वैल्यू कितना है, √2 का स्क्वायर कितना, 2 इज इक्वल टू ए इंटू बी। एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी बनाता है तो लाइन्स क्या होता है, पैरेलल होता है। और आप ये रिलेशन को भी देखो, ए बाई एच, ए बाई कितना, √2, एच बाई बी यानी √2/2, दैट इज ऑल्सो 1/√2, ठीक है। और जी बाई एफ, जी कितना है, 2, ठीक है। और एफ कितना है, 2√2, 2/√2 कितना, 1/√2। तो ये कंडीशन को पूरा फुलफिल कर रहा है, ठीक है, ये पैरेलल होने के लिए कंडीशन, इसको भी याद रखना है सही से थोड़ी, ठीक है। तो देखो अब हम फार्मूला यूज करते हैं इसमें सीधे, ठीक है। जो फार्मूला होता है डिस्टेंस का, वो ये होता है 2√g² - ac अपॉन ए इंटू ए प्लस बी। इसे भी निकाल सकते हैं, दूसरा मेथड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इससे पहले निकालते हैं 2√g कितना है, 2 का स्क्वायर कितना, 4 माइनस g² - ac, ए कितना है, 1, सी कितना है, 1, ठीक है, बाय ए इंटू यानी 1 × 1+2, ए प्लस बी 1+2, ठीक है। तो जो रिजल्ट हो गया √g² - ac इंटू ए प्लस बी। तो जी कितना है यहाँ पर, जी का वैल्यू 2 है, तो जी एस, अच्छा ठीक है, हम यहाँ पे 1 समझ रहे थे। 2√ कितना आ गया, 4 - 1 = 3, बाय नीचे भी 3, ये तो कट ही जाएगा, यानी क्या हो गया, 2, ये आंसर हो गया ऑप्शन सी। दूसरा फॉर्मूला से बना सकते हैं, सेकेंड मेथड देखो, √ क्या चीज, f² - bc अपॉन b × a+b, ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है, इससे भी बन जाएगा 2√f² f कितना है, 2√2² 8 माइनस बी सी, बी कितना है, 2, सी कितना है, 1, 2 बाय बी यानी 2 इंटू ए प्लस बी 1+2, 6/6 1 यानी ई भी 2, तो यानी सी इज करेक्ट है ना। तो ये दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है जब लाइन जनरल फॉर्म में होता है। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको डिस्कस करते हैं। देखो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन LX प्लस MY प्लस N इज इक्वल टू 0 एंड कर्व ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0 एंड ओरिजिन। यानी कह रहा है कि इस कर्व और इस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से ओरिजिन से पास करता हुआ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन से जो भी पेयर ऑफ लाइन पास करेगा तो इसका मतलब वो क्या होगा, होमोजीनियस। तो काफी इजी कॉन्सेप्ट है समझना सही से। तो देखो
मान लो ये तुम्हारा कर्व है जिसका नाम क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। और एक स्ट्रेट लाइन है जिसका नाम है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू जीरो। अब ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसके और ओरिजिन से पास करता हुआ जो लाइन होगा उसी इक्वेशन चाहिए हम लोग, ठीक है। तो देखो यानी ये जो ब्लू कलर का बनाया है इसी का यही रिक्वायर्ड पेयर ऑफ लाइन है, ठीक है। इसका इक्वेशन लिखेंगे। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये लाइन से ना वन क्रिएट कर लेते हैं, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इजकल टू जीरो है ना, यहाँ से वन क्रिएट कर लेते हैं। तो यानी क्या होगा, एल एक्स प्लस एम वाई इजकल टू माइनस एन, यानी एल एक्स प्लस एम वाई बाय माइनस एन इजकल टू क्या, वन। अब जहाँ जहाँ होमोजीनियस बनाने के लिए नीड होगा इस कर्व को होमोजीनियस बना देंगे। ऐसे पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म तो ऑलरेडी होमोजीनियस है, क्योंकि पहला टर्म का डिग्री क्या है टू, दूसरा का डिग्री क्या है टू, तीसरा का भी डिग्री टू, वन प्लस वन टू, लेकिन चौथा टर्म का डिग्री क्या है वन। तो इसमें हम एक ये मल्टीप्लाई कर देंगे वन, तो ये एल एक्स एम वाई मल्टीप्लाई होगा तो ऑलरेडी ये भी टू डिग्री बन जाएगा। इसमें भी एक मल्टीप्लाई कर देंगे, सी में ये कौन डिग्री जीरो है तो इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जो कर्व दिया है ना उसको होमोजीनियस बना देंगे फाइनली इसके हेल्प से, तो हमारा रिक्वायर्ड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ठीक है। Required pair of straight lines is, तो वो बोला उसमें हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। यानी ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, तो ऑलरेडी होमोजीनियस है। टू जी एक्स इंटू क्या थी, एल एक्स प्लस एम वाई बाय माइनस एन प्लस टू एफ वाई इंटू एल एक्स प्लस एम वाई बाय माइनस एन प्लस सी इंटू एल एक्स प्लस एम वाई बाय माइनस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये होमोजीनियस। इतना बड़ा रहता नहीं है, इसमें छोटा छोटा मतलब कर्व रहेगा ना, पैराबोला रहेगा, एलिप्स रहेगा। इसके आगे का तो वॉइस क्लियर था, आप लोग वहाँ से देख लेना, ठीक है। तुम लोग याद रखते